नमस्कार उनको करूं जो सम्यक संबुद्ध, जो भगवत अरहंत जो पावन परिशुद्ध। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, भगवान बुद्ध से कौन प्रेम नहीं करता? जो उनके बारे में कम जानता है वह भी उनसे प्रेम करता है, और जो उनके बारे में अधिक जानता है वह तो और उनके प्रेम में पड़ जाता है। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि कई सारे लोग इस तरह के नैरेटिव बनाते रहते हैं कि भगवान बुद्ध जो हैं वो तो बौद्ध धर्म ज़्यादा पुराना है, हिंदू धर्म नया है, क्योंकि हिंदू धर्म तो जो है ऋग्वेद के जो है लेटेस्ट, जो ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट मिलते हैं, जो पुराने से पुराने पांडुलिपियाँ मिलती है, वो 14वीं-15वीं शताब्दी के मिलते हैं। तो इसलिए हिंदू धर्म बहुत नया है, बौद्ध धर्म बहुत पुराना है। बौद्ध धर्म के पुराने से पुराने शिलालेखों में, अशोक के शिलालेखों में जो 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, उन सब शिलालेखों में भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है, और धम्म आदि का नाम जो है वहाँ पे आता है। इसलिए बौद्ध धर्म पुराना है और ये हिंदू धर्म तो नया नया धर्म है। इस तरह की बातें जो है वो लोग फैलाते रहते हैं। आज हम बौद्ध ग्रंथों के प्रमाण के आधार पर यह सिद्ध करेंगे कि भगवान बुद्ध भी सनातनी थे और वो स्वयं जो है वो वैदिक धर्म को जो है आदर दिया करते थे। इतना ही नहीं, अगर हिंदू धर्म समाप्त हो जाए तो बौद्ध धर्म का भी कोई भविष्य नहीं बचता, यह भी हम सिद्ध करेंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कई सारे लोग जो है ये सिद्ध करने पर लगे रहते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने कई लोगों को जो है बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड कर दिया और परिवर्तित कर दिया, और वो ये कई लोग जो है आजकल के आधुनिक छंद बुद्धिजीवी सिद्ध करने पर तुले रहते हैं कि बौद्ध धर्म श्रेष्ठ है, और हिंदुओं को जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं बौद्ध धर्म में, उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काते रहते हैं और जातिवाद आदि कुछ कह करके जो है उन्हें बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें यह भी सिखाते हैं कि बौद्ध धर्म तो अलग धर्म है, हिंदू धर्म अलग धर्म है, और उससे नफरत करनी चाहिए। इस तरह की बातें लोगों के मन में जहर घोलते रहते हैं। तो आज हम जो है बौद्ध ग्रंथों से प्रमाण भी देंगे, और ये सारे जो ग्रंथों से हम प्रमाण देंगे उसका डाउनलोड लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ताकि आप वहाँ जा करके स्वयं तसल्ली करके देख सकते हैं कि वो बातें जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही वहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वह बेल आइकन भी अवश्य दबा दें। देखिए, प्रमाणों की बात करें तो हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म जो है उसमें जो मुख्य ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक कहे जाते हैं। कौन से त्रिपिटक? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तो आज हम जो भी प्रमाण आपके सामने उपस्थित करेंगे इन त्रिपिटकों से ही उपस्थित करेंगे, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि भगवान बुद्ध जो है वह सनातनी थे, वह भी जो है वैदिक धर्म को मानते थे, और बिना वैदिक धर्म के जो है बौद्ध धर्म भी नहीं रह सकता। तो इस सूत्र पिटक में जो है एक दीघ निकाय करके आया हुआ है, बहुत सारे निकाय हैं उसमें से जो ये दीघ निकाय है, इस पर जो है महापंडित राहुल संकृत्यायन जी का हिंदी अनुवाद प्राप्त होता है। जी हाँ, मैं ये कोई RSS का अनुवाद आपको नहीं दिखा रहा हूँ, कि किसी व्यक्ति RSS के किसी व्यक्ति का अनुवाद नहीं दिखा रहा हूँ, अथवा व्हाट्सएप पर कोई फॉरवर्ड भी आपको नहीं दिखा रहा हूँ। यह दीघ निकाय पर जो है राहुल संकृत्यायन जी का अनुवाद प्राप्त होता है, जिसे आप डाउनलोड करके, इसका डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जा करके आप देख भी सकते हैं। तो इसमें जो इस दीघ निकाय में जो है वह एक महाप्रदान सूत्र करके आया हुआ है, इसके इस सूत्र को पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसमें जो है भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि क्या बात चल रही थी, तो भिक्षु लोग कहते हैं कि यहाँ पे पूर्व जन्म की बात चल रही थी। तो भगवान बुद्ध जो है वो पूर्व जन्म की जब बातें बताने लगते हैं तो और भी कई पुराने बुद्धों के बारे में बताने लगते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जो है 6 बुद्धों का नाम लिया है, विपस्सी बुद्ध, सिखी बुद्ध, कोनागमन बुद्ध और वैसभु बुद्ध, इस तरह से 6 बुद्धों का, कश्यप बुद्ध, इन 6 बुद्धों का उन्होंने जो है वहाँ पे नाम लिया है। और उन्होंने यह भी कहा है, देखिए बौद्ध धर्म में यह भी कहा जाता है कि बुद्ध जो है केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय के यहाँ अवतार लेते हैं। तो उन्होंने इन 6 बुद्ध के जो है जाति और गोत्र बताए हैं, उनमें से कई लोग जो हैं क्षत्रिय के वंश के होते हैं। जैसे कि पहला जो है बुद्ध का जो उन्होंने नाम लिया है, विपस्सी बुद्ध का जो उन्होंने नाम लिया है, वो जो है क्षत्रिय थे। उसी तरह से सिखी बुद्ध भी क्षत्रिय थे। इस तरह से कई सारे बुद्ध क्षत्रिय थे और कई सारे बुद्ध जो है वो ब्राह्मण थे, और उन्होंने अपने बारे में भी बोला है कि मैं जो सम्यक संबुद्ध बुद्ध हूँ वह मैं जो हूँ क्षत्रिय हूँ। तो आप बताइए, जब बुद्ध जो है केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले सकता है, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय तो हिंदू धर्म के ये है ना, तो बिना हिंदू के हुए जो है ब्राह्मण क्षत्रिय कैसे हो जाएगा बताइए। तो अगर आप किसी तरह से दुनिया से जो है हिंदू धर्म को ख़त्म कर दीजिए, किसी तरह से सबको कन्वर्ट करके बुद्धिस्ट बना दीजिए, तो ये लोग जो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि आगे कोई जा करके आएंगे मैत्रेय बुद्ध, वो अवतार कैसे लेंगे? क्योंकि मैत्रेय बुद्ध को अवतार लेने के लिए तो किसी न किसी को ब्राह्मण और क्षत्रिय होना चाहिए ना जी।
तो अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय ही नहीं रहेंगे तो बौद्ध धर्म कैसे रह पाएगा। यह सिद्ध करता है कि ये जो है ब्राह्मण धर्म जो है बौद्ध धर्म से पुराना है। ये भगवान बुद्ध स्वयं मान रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के यहाँ ही अवतार लेते हैं, क्या कहते हैं, बुद्ध जो होते हैं उन्हीं के यहाँ जन्म लेते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि नहीं कि भगवान बुद्ध स्वयं एक हिंदू थे, वो स्वयं एक सनातनी थे, वो भी जो है ब्राह्मण क्षत्रिय को मानते थे, एकदम सिद्ध होता है। लेकिन फिर भी किसी तरह से ये सिद्ध की जाती है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट इतना साल का मिलता है। अरे मैन्युस्क्रिप्ट से क्या मतलब है, ग्रंथ क्या, इस अगर केवल मैन्युस्क्रिप्ट कब का है ये देख करके जो है कोई आदमी समझ जाता तो आदमी हर आदमी आज इतिहासकार ही रहता है। इतिहास समझना इतना आसान नहीं होता है, ग्रंथों के साक्ष्य देखने पड़ते हैं और वहाँ पे किसकी चर्चा कहाँ पे आई हुई यह देखना पड़ता है। तो ये एकदम प्रबल अकाट्य प्रमाण है जिससे सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध भी सनातनी थे और सनातन धर्म को किसी तरह से दुनिया से नष्ट कर दिया जाए तो ये बौद्ध धर्म भी रहने वाला नहीं है। अच्छा, इसी सूत्र पिटक में जो है मध्यम निकाय आता है, तो मध्यम निकाय में ये अश्लायन सूत्र मिलता है। तो उसमें जो है तीन वेदों के किसी विद्वान के बारे में भी कहा गया है और चातुर्वर्ण के बारे में भी कहा गया है। तो वेदों का और चातुर्वर्ण का जो है बौद्ध धर्म से पहले होना सिद्ध हो जाता है कि नहीं हो जाता, ये बौद्ध त्रिपिटक का प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ, मध्यम निकाय का सूत्र पिटक से प्रमाण दिखा रहा हूँ। अच्छा, इस अश्लायन सूत्र में तो उन्होंने जो है चारों वर्ण का जो है खंडन किया है, लेकिन इनके बातों से ऐसा लगता है कि ये जो खंडन जो है ऊपरी है, क्योंकि और इनके ग्रंथों को अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है जन्म से कोई ब्राह्मण हो जाए इस बात का वो खंडन करते थे, कर्म से ब्राह्मण होने का खंडन नहीं करते थे। देखिए, भगवान बुद्ध की जो है वाणी आती है धम्मपद नाम से, बहुत प्रसिद्ध है और यह भगवान की बुद्ध की प्रामाणिक वाणी मानी जाती है। तो यह वाणी कहाँ आती है, यह भी सूत्र पिटक के खुदक निकाय में जो है आती है। सूत्र पिटक के खुदक निकाय में धम्मपद है और उसका अंतिम जो अध्याय है वह ब्राह्मण वर्ग है। तो इस अंतिम अध्याय में इसका अनुवाद भी जो है भदंत आनंद कौशल्यायन, विपसना रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि जो है कई सारे संस्थानों से इसका हिंदी अनुवाद निकलता है, कहीं भी जाकर के देख लीजिए। इस अध्याय का नाम ब्राह्मण वर्ग ही है और इसमें उन्होंने दो श्लोकों में कह सकते हैं या उनके जो उस समय पाली में जो दो वर्सेज हैं उसमें उन्होंने तंग भनामी ब्राह्मणों, अर्थात मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ, किसको ब्राह्मण कहता हूँ, जो कि सील सदाचार से युक्त हो और झाइनो हो यानी कि ध्यान करने वाला हो, जो मन के जो है दुर्भावनाओं से मुक्त हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तो वो अभी जान पड़ता है कि ब्राह्मण के खिलाफ नहीं थे, हाँ जन्म से ब्राह्मण होने के खिलाफ थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण होने के वो खिलाफ नहीं थे। अच्छा, इसी ब्राह्मण वर्गों में देखिए आगे जाकर के भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि दिन में जो है सूर्य चमकता है, रात में चंद्रमा चमकता है और कवच धारण करके जो है क्षत्रिय चमकता है और ध्यान करके जो है वह ध्यानी ब्राह्मण चमकता है। तो प्रिय दर्शकों बताइए, वो भी क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात कर रहे हैं और वो भी कहते चमकता है, अगर वो ऐसा कर्म करे तो वो भी चमक जाएगा, अगर वो जो है क्षत्रिय युद्ध करे और ब्राह्मण ध्यान करे तो वह भी जो है चमक जाएगा। तो क्या वो भी ब्राह्मण धर्म के खिलाफ है, नहीं खिलाफ नहीं है, वो बस जन्म से ब्राह्मण होने के खिलाफ है अथवा जन्म से क्षत्रिय होने के खिलाफ है, लेकिन कर्म से अगर कोई अच्छा कर्म करे तो उसे चमकता है, वो कह रहे हैं क्षत्रिय भी ये कवच धारण करके चमकता है। तो प्रिय दर्शकों, क्या वो वैदिक धर्म का आदर नहीं करते थे, कौन कह सकता है, अथवा उन्होंने जो है हिंदू धर्म छोड़ दिया यह भी कौन कह सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कभी भी इस तरह की बात कहीं नहीं आई है कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया। यहाँ यह बात तो प्रमाणित होती है कि बुद्ध जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेते हैं, यह भी बात प्रमाणित होती है कि उन्होंने कभी जो है हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कही ही नहीं। हाँ, उन्होंने अपना एक अलग पंथ बनाया, अलग मार्ग बनाया, उसकी छूट जो है हिंदू धर्म में हमेशा से रही है। देखिए, मैं जब बौद्ध धर्म पे बोलता हूँ तो मैं बहुत, देखिए मेरे पुस्तकें आप देख रहे होंगे तो इसमें आप पाएंगे कि जब मैं बौद्ध धर्म पे बोलता हूँ तो मैं बौद्ध धर्म के साथ पूरा न्याय करता हूँ, फिर उसमें कई जगह पर जो भी बातें जो है बुद्ध धर्म के खिलाफ आती हैं हिंदू धर्म में, मैं उसका खंडन मुझे करना पड़ता है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ, ये ऐसे ही है जैसे कोई द्वैतवादी बोलता है तो अद्वैतवादी के खंडन करता है। आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी ने जो है ब्रह्मसूत्र पर अद्वैत परक भाष्य लिखा, ये मेरे पीछे आप ये ब्रह्मसूत्र देख रहे होंगे, तो उस पर अद्वैत परक भाष्य लिखा, बाद में वैष्णव आचार्यों ने उसका खंडन किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बुद्ध जो है हिंदू नहीं रह गया अथवा जो बाकी लोगों ने जो खंडन किया वो हिंदू नहीं रह गया, ऐसी बात नहीं है। पंथ तो अलग अलग हो ही सकता है क्योंकि एक घर में घुसने के अनेक दरवाजे हों तो हर दरवाजे से तो कोई नहीं घुस सकता है ना। तो पंथ की जहाँ बात आएगी वहाँ एक दूसरे का खंडन बनता ही बनता है, एक द्वैतवादी अद्वैतवादी का खंडन करेगा, जब मैं अद्वैतवाद पे बोलूँगा तो द्वैतवाद का खंडन करूँगा, जब मैं बौद्ध धर्म पे बोलूँगा तो हिंदू धर्म के जो मार्ग जो है बुद्ध धर्म के खिलाफ पड़ेगा उस बातों का मैं खंडन करूँगा।
जब मैं हिंदू धर्म पर बोलूँगा तो जो बौद्ध धर्म की कोई बात मुझे सही नहीं लगेगी तो उसका खंडन करूँगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों में जो है मतभेद है अथवा ये हिंदू है और वो हिंदू नहीं है, ऐसी बात नहीं है। द्वैतवादी भी हिंदू है, वो अद्वैतवादी का खंडन करे तब भी वो हिंदू है, वो विशिष्टाद्वैतवादी का खंडन करे तो भी वो हिंदू है, और विशिष्टाद्वैतवादी भी हिंदू है और द्वैतवादी भी हिंदू है, भले ही दोनों के पंथ अलग अलग हों। तो पंथ में अलग अलग होना, मतभेद रखना, उसे खंडन मनन करना एकदम बिल्कुल बनता है, आप बिल्कुल एकदम प्रसन्न मन से कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू नहीं रह गया अथवा वो सनातनी नहीं रह गया। हम सब सनातन ही हैं। देखिए आज जो है हिंदू धर्म को एकता की आवश्यकता है। आज जो बांग्लादेश में जो है वो मूर्ति तोड़ने जाता है तो वो ये थोड़े देखता है कि वो बुद्ध की मूर्ति है कि हिंदू धर्म वाले की मूर्ति है कि किसकी मूर्ति है, वो तो मूर्ति को तोड़ देता है। वो जो है ये नहीं देखता कि किस जाति का है किस इसका है, वो तो सबके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो इसीलिए आज हमारे समाज को एकता की ज़रूरत है। छोटी छोटी बात से अगर जो है हम लोग ऐसे झगड़ा करते रहें और लोगों को भड़काते रहें कि अरे इससे उसमें कन्वर्ट हो जाओ, उससे इसमें कन्वर्ट हो जाओ, इसमें ये खराबी है खराबी, इससे कोई भला नहीं होने वाला है। प्रिय दर्शकों, इन सारे प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हम सब जो है मिलजुल करके हमेशा से रहते थे, भले ही पंथ का मतभेद हो, वो मतभेद हमेशा से था, हमेशा से रहे, उसमें कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन धर्म का भेद नहीं है, पंथ का भेद है जो कि मान्य है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह के जो है आप उदाहरण ढूंढ ढूंढ के लाते रहें कि किसने किस पे अत्याचार किया, तो इतिहास में ऐसे कई सारे प्रमाण मिल जाएंगे। जब आपको कुछ पता चलेगा कि किसी हिंदू कट्टरपंथी ने जो है किसी बौद्ध धर्मावलंबी के साथ जो है अन्याय किया, अथवा किसी बौद्ध कट्टरपंथी ने जो है हिंदू धर्मावलंबी के साथ अन्याय किया, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया, इससे हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा धर्म ही गलत है। आज हमें सौहार्द की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं जो है एकता का हाथ बढ़ाता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आज हम सब लोग आकर के एक हों और हमारे इस जो है ध्येय में हमारा साथ दें, सबको मिलाने में हमारा मदद करें। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो से आपको शास्त्र प्रमाणों के साथ स्पष्ट हो गया होगा कि ये दोनों जो धर्म जो है उसमें किसी प्रकार के भेद की या झगड़े की आवश्यकता नहीं है, हम दोनों एक होकर के साथ साथ चल सकते हैं, अलग अलग पंथ पे भले ही चलें लेकिन धर्म तो एक ही रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और जिन्हें भी इस प्रकार के बातों में रुचि हो उनके साथ इस वीडियो को साझा भी अवश्य करें। साथ ही जो लोग जो हैं दोनों धर्मों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने की कोशिश करते रहते हैं उनके साथ भी यह वीडियो साझा करें और उन्हें प्रेम का और सौहार्द का संदेश समाज में फैलाने के लिए प्रेरित करें। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।